टॉपिक है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को रैक इन और रैक आउट कैसे करते हैं। तो ये हमारा 66 केवी सबस्टेशन का कंट्रोल रूम है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये हमारा दो जो पैनल है, ये एक और दो स्पेयर में है। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ये जो हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, जैसे आप देख सकते हो, ये अभी स्पेयर में है, यानी रैक आउट पोजिशन में है ये दोनों फीडर। और ये वाला रैक इन में है, अभी आप देख सकते हो, इसको अंदर की तरफ है, रैक इन है अभी, और ये दोनों रैक आउट है। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को रैक इन और रैक आउट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो उसका कुछ सेफ्टी, जब भी हमें सर्किट ब्रेकर को रैक आउट करना होता है, तब ये हमें सेफ्टी कंसिडर करना रहता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको बता रहा हूँ कौन से पॉइंट आपको चेक करने हैं, ठीक है, तो हम वन बाय वन सारी डिटेल्स चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन से हमें सेफ्टी जो है पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें कौन सा फीडर बंद करना है, वो हमें खास ध्यान रखना है कि फीडर ऑफ है या नहीं। यहाँ पे हमें इंडिकेशन जरूर चेक करना है कि फीडर ऑफ है, क्योंकि फीडर को जब हम अगर रैक इन है और रैक आउट करना है, और अगर आप रैक आउट करते वक्त ये ध्यान नहीं रखेंगे कि फीडर ऑफ है या ऑन है, मतलब ब्रेकर ऑन है या ऑफ है, और आप ऑन ब्रेकर को अगर रैक आउट करने की कोशिश करोगे तो ब्लास्ट हो सकता है, और आपको भी डैमेज हो सकता है और पैनल को भी डैमेज हो सकता है। हो सकता है नहीं, 100% डैमेज होगा ही। तो यहाँ पे सबसे पहले इंडिकेशन चेक करना है कि ब्रेकर ऑफ है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे RYB फेज का भी हमें इंडिकेशन चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ही हमें ब्रेकर को रैक आउट करना है, और रैक इन करते वक्त भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले और ये भी चेक करना है कि टेस्ट पोजिशन यानी रैक आउट, और अब हम अगर इसको रैक इन करेंगे तो यहाँ पर सर्विस पोजिशन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे टेस्ट पोजीशन का भी ये इंडिकेशन चालू है, जैसे ही हम इसको रैक इन करेंगे तो ये जो है सर्विस पोजीशन, ये इंडिकेशन शो करेगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा हैंडल है, इसकी मदद से हम ब्रेकर को रैक इन और रैक आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हैंडल है, ये हैंडल को हम यहाँ पे इसको अंदर की तरफ पुश करना है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, आउट यानी बाहर निकालना है, रैक आउट करना है, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज में इसको घुमाना है, और ब्रेकर को रैक इन करना है तो हमें इसको क्लॉकवाइज दिशा में इसको घुमाना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो अभी ये हमारा ब्रेकर बाहर है, तो हम ब्रेकर को रैक इन करते हैं, ठीक है। तो ये जो हैंडल है, इसको इस तरह अंदर डालना है, ठीक है। अंदर जो रोड होता है उसके अंदर ये हैंडल हमारा अंदर जॉइंट होता है, मतलब फंसता है। उसके बाद आर्क सूट जरूर पहनना है ब्रेकर को, जब भी हम रैक इन और रैक आउट करते उस वक्त। और थोड़ा साइड में हमें बैठना है, सामने नहीं बैठना है। उसके बाद जैसे आप ये देख सकते हो, ब्रेकर को हम अंदर डाल सकते हैं, देखो। देखो ये ब्रेकर अंदर जा रहा है, और यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हो। देखो ये ब्रेकर सर्विस पोजीशन में आ गया है, और यहाँ पे इंडिकेशन भी शो कर रहा है, ठीक है। ये ब्रेकर हमारा सर्विस पोजीशन में आ गया है, यानी रैक इन है। देखो आप अंदर देख सकते हो, ये ब्रेकर अंदर की तरफ चला गया है, ठीक है। और इसी तरह ब्रेकर को जब भी रैक आउट करना होता है तो एंटी क्लॉकवाइज में इसको घुमाना है, ठीक है। देखो ये ब्रेकर बाहर आ रहा है, और यहाँ पे टेस्ट पोजीशन आ गया है, देख सकते हो, ये टेस्ट पोजीशन, और ये इंडिकेशन हो गया है, और ये ब्रेकर बाहर हो गया है, ठीक है। तो इस तरह आप ब्रेकर को, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को, इस हैंडल की मदद से रैक इन रैक आउट कर सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखना है कि ब्रेकर को रैक आउट करते वक्त सबसे पहले हमें ब्रेकर को ऑफ करना है ये TNC स्विच या रिमोट कंट्रोल स्विच से, और उसके बाद इंडिकेशन चेक कर लेना है, RYB फेज का भी इंडिकेशन चेक करना है,
और उसके बाद ही ब्रेकर को बाहर निकालने की कोशिश, ब्रेकर को बाहर निकालना चाहिए और रेकिंग करते वक्त भी सेफ्टी का पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। आर्क सूट, हेलमेट, सेफ्टी शूज भी पहनना चाहिए, ठीक है। और दूसरा आप ये देख सकते हो हमारा ये कंट्रोल रूम है जिसमें ये सारी पैनल्स है, इनकमर की पैनल है और आउटगोइंग फीडर, स्टेशन ट्रांसफॉर्मर, हमारी ये टैप चेंजिंग पैनल है जिसके बारे में हम डिटेल्स में वीडियो अलग अलग से बनाएंगे। दोस्तों ऐसे ही इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।